हेलो फ्रेंड्स, आज हम अडोब पेज मेकर में फर्दर टूल सीखेंगे। सबसे पहले फाइल पे क्लिक कीजिए, न्यू पे क्लिक कीजिए, A4 स्टाइल सिलेक्ट करके पेज लीजिए। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ब्लैंक पेज मिला है। टूल बॉक्स में लाइन टूल पे क्लिक करके आप लाइन ड्रॉ कीजिए। आप देख सकते हो यहाँ पे लाइन ड्रॉ हो रही है, बट इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है कि लाइन स्ट्रेट नहीं हो रही है, जिगजैग आ रही है। स्ट्रेट लाइन के लिए लाइन के पास में एक और ऑप्शन है जिसे हम कहते हैं कंस्ट्रेंट, यानी कि यहाँ पे हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है। आप देख सकते हो हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है, स्लेट स्ट्रेट आ रही है। अगर हमें लाइन को मूव करना है तो टूल बॉक्स में एरो टूल लेके आप उसको मूव कर सकते हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। आप देख सकते हो लाइन मूव हुई है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है क्रॉप, जिसके लिए हमें सबसे पहले जाना रहेगा फाइल मेनू में। फाइल पे क्लिक कीजिए, प्लेस पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस दी हुई है। आपको जो इमेज क्रॉप के लिए यूज करनी है आप इमेज सिलेक्ट करिए, ओपन दीजिए, यस करके माउस का लेफ्ट एरो प्रेस करके आप उसको ड्रैग करिए। आप देख सकते हो इमेज आ गई है आपके सामने। अभी आपको इमेज को क्रॉप करना है तो टूल बॉक्स में जाके क्रॉप टूल लीजिए और जहां से आपको इमेज क्रॉप करनी है वहां से कर्सर प्रेस करके आप क्रॉप करिए। आप देख सकते हो इमेज क्रॉप हो गई है। और एरो टूल का यूज करके आप इमेज की साइज चेंज करोगे तो आप देख सकोगे आपकी इमेज क्रॉप हुई है। और अगर आपको अनक्रॉप करनी है तो इमेज की कॉपी लीजिए, अगेन आप क्रॉप टूल में जाइए, जहां से आपने क्रॉप स्टार्ट किया था वहां से अनक्रॉप स्टार्ट करिए। आप देख सकते हो यहाँ पे अनक्रॉप हो गई है इमेज। थैंक यू।